कितने दिन हो गए आज आपको? पहले आप शहीद स्मारक पे धरने पर बैठे और अब पिछले कई दिनों से सचिन पायलट के निवास के बाहर धरने पे बैठे हुए, मंत्री भी आए, सारी चीजें हुई, मांग नहीं मानी जा रही, क्या लग रहा है आपको? बरसात भी हुई, सारी चीजें हो गई। अब मंत्री को ना देख रहा है क्या है? वो तो उनको भी देख रही है। हम जो मांगे लेके आए थे तो मंत्री यहाँ आते हैं तो 20 मिनट पहले तो कुछ बोलता है और 20 मिनट बाद में क्या बोल देते हैं, कैसे मान सकते हैं? हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि हम बोलते हैं ना तो पीछे नहीं हटते हैं। मंत्री ऐसे खेलते हैं और 20 मिनट बाद में ही घोषणा करके पीछे हटते हैं तो हम नहीं मान सकते। जान निकल जाएगी, पर हम तो बिल्कुल लिखित में चाहिए हमारे को तो, और हमारे साथ जो गलत किया था पुलिस कर्मचारियों ने उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। और हमारे को बोल रहा है मंत्री जी, बोल रहा है कि आपको पैकेज मिल गया है, पैकेज के कारण इतना रोष उठ रहा है। अरे आपको पैकेज दिख रहा है, हैं? और हमारे संसार उजड़ गया है, सब कुछ गया, पैकेज को क्या चाटेंगे है? उनको पैकेज चाहिए क्या? मंत्री को पैकेज चाहिए क्या? हम देंगे, हमारी जमीन बेच देंगे, हमारे हम खुद बिक जाएंगे। उनको पैकेज चाहिए क्या? हम दे देंगे उनको, मंत्री को पैकेज हम देते हैं, पैकेज देख रहे हैं उनको। इंसान चाहिए, इंसान रह गया उनके पास? दे दो हमारे को इंसान चाहिए, हमारे कोई मांगे नहीं, मांग नहीं, हमारे को इंसान दे देना। जब हम मान जाएंगे हमारे इंसान लेके घर चल जाएंगे, है क्या इनके पास? उनका पैकेज दिख रहा है उनको, रोष नहीं उठ सकता। अरे नौकरी 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 हमारी है, उनकी नहीं है, उनके बेटे की नौकरी नहीं छीरे हम, हमारी नौकरी हमारे पति की नौकरी है ना। हम बच्चे को दिलाना चाहते हैं कि हमारे देवर को, हमारा गुजारा देवर करता है ना, तो उनको नौकरी देने में क्या हो रहा है? कुछ बिगड़ रहा है उनका? क्या उनका बेटा की नौकरी ले रहे हैं? हम नहीं लगाना चाहते हमारे बेटों को उन नौकरी में, देवर को दिलाना चाहते हैं। पहले कैसे घोषणा क्यों की? दो दो बार घोषणा हो गई ना, यहाँ भी हो गई, हमारे स्मारक पे भी हुई थी जब शहीद हुए थे तब भी घोषणा की थी। सोच समझ के करना चाहिए ना वो काम, तो अब नहीं मानेंगे। अब वो बदलेगा कि जांच करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी, हम नहीं मानेंगे। दो दो बार घोषणा हो चुकी, हम नहीं मान सकते। अब लिखित आश्वासन के बाद उठेंगे। हाँ, हमारे कब से आप आमरण अनशन पे बैठे हैं? आज पांचवा दिन है हमारे को। कुछ नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं खा रहे, मर जाएंगे। पायलट साहब के घर के बाहर, पायलट साहब तो क्या, पायलट साहब तो अब तो ये सिविल लाइन ही मानो, क्योंकि पायलट साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं प्रियंका गांधी से मिलाऊंगा, तो पायलट साहब तो पता नहीं कहाँ चले गए उसी दिन से। ना प्रियंका से मिल पा रही, ना सीएम से मिल पा रही, सीएम तो मिलना ही नहीं चाहता, पर पायलट साहब प्रियंका से ज़रूर मिला सकते हैं। अब कल भारी बरसात हुई थी, इधर से भी बारिश आई, इधर से भी आई, इधर से भी आई, जब नीचे से भीगने लगे तो हम सामने की बिल्डिंग में हमने शरण ली और रात भर वहाँ रहे, अब यहाँ आ गए। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कंस और रावण का रूप ले चुके हैं, उनकी क्रूरता की पराकाष्ठा है कि जिनके पति देश के लिए शहीद हुए उनके वो मिलने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। तो जैसे अंत कंसकार रावण को आता ना, गहलोत का अंत होगा, मैं कह रहा हूँ यहीं से। मंजू जाट 4 मार्च से अनशन पर है, तब से जब इसका घोर अपमान हुआ था तीनों का, तभी से हम इनको बार बार समझा रहे हैं खाना खाओ, ये निष्ठुर सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी, लेकिन ये मान नहीं रही।